हेलो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है यह क्लास छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन 2024 के एग्ज़ाम के लिए है। यहाँ पर हम कंप्यूटर से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे और यह हमारा कंप्यूटर का पार्ट 5 रहेगा। तो अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यूपीएस का विस्तृत रूप क्या है? हमें यहाँ पर यूपीएस का फुल फॉर्म बताना है। तो यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? अन इंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अन इंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न दो। प्रश्न दो क्या है? निम्न में क्या सामान्यतया गणना नहीं कर सकता है? हमें यहाँ पर बताना है इनमें से कौन सा गणना नहीं कर सकता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा प्रिंटर। प्रिंटर जो है यह गणना नहीं कर सकता है। बाकी यहाँ पर कैलकुलेटर, कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन, ये तीनों ही गणना कर सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न तीन। प्रश्न तीन क्या है? प्रोजेक्ट लोन किससे संबंधित है? हमारा प्रश्न है प्रोजेक्ट लोन किससे संबंधित है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा बेतार संचार प्रौद्योगिकी से। प्रोजेक्ट लोन बेतार संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न चार। प्रश्न चार क्या है? सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? हमें यहाँ पर सॉफ्टवेयर का अर्थ बताना है। तो सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है प्रोग्राम्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न पाँच। प्रश्न पाँच क्या है? कंप्यूटर किसके बिना काम नहीं कर सकते? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा CPU। कंप्यूटर जो है CPU के बिना काम नहीं कर सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न छः। प्रश्न छः क्या है? इनमें से कौन सा पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है? हमें यहाँ पर बताना है इनमें से कौन सा पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा मध्य। हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न सात। प्रश्न सात क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब ब्राउजर है? हमें यहाँ पर बताना है इनमें से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब ब्राउजर है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न आठ। प्रश्न आठ क्या है? कंप्यूटर और बिजनेस जगत में ओएस का अभिप्राय किससे है? प्रश्न क्या कह रहा है? कंप्यूटर और बिजनेस जगत में ओएस का अभिप्राय किससे है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम से। ओएस क्या है? तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नौ। प्रश्न नौ क्या है? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा परम 8000। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न दस। प्रश्न दस क्या है? एमएस वर्ड में बहुविध शब्दों, लाइनों या पैराग्राफों का चयन कौन सी कुंजी प्रयोग करके किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 11। प्रश्न 11 क्या है? सीपीयू और मेमोरी कंप्यूटर के खालिस्तान पर स्थित होते हैं। हमें यहाँ पर बताना है सीपीयू और मेमोरी कंप्यूटर के खालिस्तान पर स्थित होते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा मदरबोर्ड। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 12। प्रश्न 12 क्या है? भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया। तो कहाँ पर परम का निर्माण हुआ था? तो यह हमें बताना है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा पुणे में। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 12। प्रश्न 12 क्या है? इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल क्या है? हमें यहाँ पर इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल बताना है।
तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा TCP/IP। इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल क्या है? तो TCP/IP है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न 13। प्रश्न 13 क्या है? स्पष्ट कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा पद सॉफ्टवेयर को बेहतर रूप से परिभाषित करता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा केवल एप्लीकेशन प्रोग्राम और दूसरा है केवल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम। तो ये दोनों ही सॉफ्टवेयर को बेहतर रूप से परिभाषित करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न 14। प्रश्न 14 क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खाली स्थान हमें चुने हुए पैराग्राफ को बाई ओर खिसकाने की अनुमति देता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा डिक्रीज इंडेंट। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न 15। प्रश्न 15 क्या है? CPU द्वारा मेमोरी में किसी लोकेशन के एक्सेस में लगने वाला समय निम्न में से कौन सा है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा मेमोरी एक्सेस टाइम। CPU द्वारा मेमोरी में किसी लोकेशन के एक्सेस में लगने वाला समय मेमोरी एक्सेस टाइम है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न 16। प्रश्न 16 क्या है? भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया? भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा परम। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को परम नाम दिया गया। तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 17। प्रश्न 17 क्या है? इंटरनेट मूलतः किस एजेंसी का प्रोजेक्ट था? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा अर्पा। तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 18। प्रश्न 18 क्या है? प्रारंभ से स्लाइड शो आरंभ करने के लिए व्यक्ति को खालिस्तान की दबाना चाहिए और वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो से आरंभ करने के लिए व्यक्ति को कौन सी की दबाना चाहिए? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा F5, Shift+F5। तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न 19। प्रश्न 19 क्या है? यदि आप लोगों को नियमित रूप से पत्र भेजते हैं तो आप पत्र तैयार करने के लिए किस प्रकार के प्रोग्राम का प्रयोग करेंगे? हमारा प्रश्न है, यदि आप लोगों को नियमित रूप से पत्र भेजते हैं तो आप पत्र तैयार करने के लिए किस प्रकार के प्रोग्राम का प्रयोग करेंगे? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न 20। प्रश्न 20 क्या है? निम्नलिखित प्रकार के कंप्यूटरों में सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली कौन सा है? हमें यहाँ पर बताना है इनमें से कौन सा कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यह था हमारा कंप्यूटर का पार्ट 5। यहाँ पर हमने कंप्यूटर संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे। ये सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह क्लास आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।